नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। हर समय आपके साथ मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। प्रयागराज के रामपुर में रखा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रामपुर करछना में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी का जोरदार स्वागत किए। आज रामपुर में जीवनदीप हॉस्पिटल के सामने समाजवादी पार्टी ने एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेश उत्तम पटेल मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता महावीर सिंह की एक रिपोर्ट। बीजेपी प्राइवेट तंत्र पर विश्वास करती है और प्राइवेट तंत्र को लगातार बढ़ा रही है, इसीलिए इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। सर, जो जमीनी स्तर पे जो जनता में रोष दिखता है सरकार के प्रति, लेकिन कई जगह देखा गया कि जो इलेक्शन हुए रिजल्ट अपोजिट आता है, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं जी सर, वो बाई इलेक्शन में सरकारी धन बल, सरकारी सत्ता बल और सरकार के दबाव में लोगों को धमका करके ये बाई इलेक्शन जीते। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास एक सीट थी मलनी, समाजवादी पार्टी ने उसमें अपनी जीत हासिल की है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। जनता का विश्वास ईवीएम से हट गया है, ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ईवीएम हटाने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी लगातार संसद से लेकर विधानसभा, विधान परिषद से लेकर आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से ये मांग कर रही है कि ईवीएम प्रणाली दूषित है, इस पर जन विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास घट गया है। इसलिए जन विश्वास को बढ़ाने के लिए वो प्रणाली होनी चाहिए जिसमें जनता का विश्वास बढ़े। बैलेट पेपर एक ऐसा तरीका है जिसमें मतदाता को सही सही देखने को मिलता है, मतदान सही होता है। हमारी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन ये विधान परिषद का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, ग्रेजुएट लोगों का चुनाव है। हमें पूरा भरोसा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा होगा और ये चुनाव हो रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी के डॉक्टर मानसिंह जीतेंगे। सर, एक सवाल और है इसका कि ना तो अभी तक कोई खुलासा हो पाया है, ना तो उसमें कोई कार्रवाई समझ में आ रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बुरी तरह से पुलिस अक्षम है, पुलिस जो है नाकामयाब रही है और खाली उगाही कर रही है, उनके रिश्तेदारों को पकड़ कर लाती है और पैसा लेने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस का जिला प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा है और पूरी तरह से फेल हो चुका है। मैं तो मांग करता हूं कि इसका तुरंत खुलासा करूँ। लॉकडाउन लगा था, उसमें लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग बाहर से अपने उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई वहां से आने में और बहुत सारे लोगों ने उसके आने में अपनी जान तक गंवा दिया, लेकिन उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या हमारा विपक्ष जो है उस पर क्या अपना राय रखना चाहता है? अभी विधानसभा के अंदर माननीय उज्जवल रमण जी और हमारी पार्टी के नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।